हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपना फेसबुक पेज अगर डिलीट करना हो तो दोस्तों आप किस तरीके से अपने फेसबुक पेज को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पर ये ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, डी एक्टिवेट एंड डिलीट। यहाँ पे दोस्तों जैसे जब हम डिलीट पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो फेसबुक का पेज है ये डिलीट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको भी जानना सीखना समझना हो तो फिर आप हमारे आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट करने के बाद में सिंपली दोस्तों आपको फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। जैसे ही दोस्तों जब आप इस पर एक बार आ जाते हो, यहाँ पे जैसे जब आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर में राइट साइड में एक लोगो देखने को मिलेगा। सिंपली दोस्तों आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है, अपने अकाउंट में आ जाना है। और यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का ये जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली आपको इस पर क्लिक करने के बाद में सेटिंग्स वाले ऑप्शन को चूज या क्लिक कर लेना है। जैसे दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे आपको पेज सेटिंग वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। जब दोस्तों आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हो आपके मोबाइल स्क्रीन पर काफ़ी सारे ऑप्शन अगेन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना वरना फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो फिर आपको क्या करना है, अब आपको नीचे आना है। जैसे ही दोस्तों जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन का ये जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये जो फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसके जस्ट नीचे में यहाँ पर एक्सेस एंड कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको इस एक्सेस एंड कंट्रोल वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। यहाँ पर आपको डीएक्टिवेट एंड डिलीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक कर देते हो यहां पे डीएक्टिवेट और डिलीट पेज का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आप अपने पेज को डीएक्टिवेट करोगे थोड़े दिनों के बाद में आप इसे एक्सेस कर पाओगे। ये टेम्प्ररी बेसिस के लिए होता है, लेकिन आपको जो डिलीट वाला ऑप्शन होता है ये परमानेंट होता है। सिंपली दोस्तों अगर आपको परमानेंटली अपने फेसबुक पेज को डिलीट करना है तो आप इस पर एक बार क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे कई सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न, ये जो सेकंड का ये जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे में दिए गए इस कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो कई सारे हो सकते हैं कि आपके पेज पर डेटा हो। सिंपली आपको क्या करना है, अगर उस डेटा को डिलीट डाउनलोड करना है तो सिंपली दोस्तों आप चाहो तो उस फाइल को, वीडियो को, फोल्डर को सिंपली दोस्तों आपको यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस पेज को डिलीट करने के लिए। यहाँ पे जैसे ही जब आप पासवर्ड डालोगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पेज रहेगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।